चलिए देखिए, आज हम आप सबको कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स पढ़ाएंगे, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। तो कैपेसिटर्स को बेसिकली हम दो तरीके से कंबाइन करते हैं, एक होता है सीरीज कॉम्बिनेशन, दूसरा होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन, और एक तीसरा केस होता है जिसको हम मिक्स कॉम्बिनेशन कहते हैं, जो सीरीज और पैरेलल दोनों आपस में कंबाइन होंगे उस टाइम, ऐसा है कॉम्प्लेक्स सर्किट बनेगा। तो पहले सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर, देखिए सीरीज कॉम्बिनेशन। तो सीरीज कॉम्बिनेशन होता क्या है, देखिए हमने कैपेसिटर्स को इस तरह से जोड़ा है, इसको हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन कहेंगे। हालांकि इसकी कुछ प्रॉपर्टीज भी है, वो चेक करते हैं कि कैसे पता चलता है कि सीरीज कॉम्बिनेशन है। जब इस कनेक्शन को हम एक पोटेंशियल डिफरेंस या कह सकते हैं किसी बैटरी के साथ कनेक्ट करते हैं, इस कॉम्बिनेशन को एक पोटेंशियल डिफरेंस या किसी बैटरी के साथ जब इसे कनेक्ट करते हैं, तो ये ध्यान रहे बैटरी का, बेसिकली बैटरी का काम क्या है, बैटरी चार्ज क्या होता है, चार्ज ड्राइविंग डिवाइस होता है, चार्ज को ड्राइव कराता है। तो सिंपली देखिए, नेगेटिव टर्मिनल इस प्लेट से कनेक्टेड है और पॉजिटिव टर्मिनल इस प्लेट से कनेक्टेड है। इसका मतलब है कि नेगेटिव देखिए पॉजिटिव टर्मिनल अगर इस प्लेट से कनेक्टेड है तो पॉजिटिव टर्मिनल इस प्लेट के इलेक्ट्रॉन को यहाँ से निकालता है, इलेक्ट्रॉन को, और वो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लाके दे देता है। जैसे एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा वैसे एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से एंटर हो जाएगा, इसका मतलब इस पर चार्ज आने लगेगा, किसका, कौन सा, पॉजिटिव, फिर इस पर कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव। फिर ऐसे अगर हम छोड़ दें तो कुछ ही देर में ये फुल चार्ज हो जाएंगे या स्टेडी स्टेट आ जाएगा। स्टेडी स्टेट आ जाता है तो मान लेते हैं इस पे चार्ज प्लस क्यू, इस पे चार्ज क्या आ जाता है, माइनस क्यू। अब बाकी प्लेट्स देखिए, बाकी प्लेट्स बैटरी से कनेक्ट तो है नहीं, तो कैसे चार्ज दिखेंगे, देखिए इस पे प्लस क्यू, तो इंडक्शन की वजह से यहाँ पर कौन सा चार्ज, माइनस क्यू। ये प्लेट किसी के साथ कनेक्टेड नहीं है, अगर माइनस क्यू तो यहाँ कितना चार्ज आ जाएगा, प्लस क्यू। अगर यहाँ प्लस क्यू तो इसके सामने इंडक्शन की वजह से माइनस क्यू, ये भी किसी के साथ कनेक्ट नहीं तो यहाँ माइनस क्यू, तो यहाँ क्या होगा, प्लस क्यू, प्लस क्यू, फिर माइनस क्यू, एकदम सेट बैठ गया। तो हमने देखा कि सारे कैपेसिटर्स पे चार्ज क्या है, सेम है। तो इसका मतलब ऐसा कॉम्बिनेशन जिसमें सब जगह चार्ज क्या हो, सेम हो। अगर चार्ज सेम है तो हम लोग बोलेंगे कौन सा कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन। तो इस तरह से कनेक्शन होना चाहिए, चार्ज हर जगह सेम होगा तो कॉम्बिनेशन को सीरीज बोलेंगे हम, कॉम्बिनेशन को सीरीज। अब हम ऐसे कॉम्बिनेशन में करते क्या है, देखिए हमने देखा कि हर जगह चार्ज क्या है, सेम है। अगर अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस V है तो ध्यान रहे ये पोटेंशियल यहाँ का पोटेंशियल प्लस यहाँ का पोटेंशियल प्लस यहाँ का पोटेंशियल के सम के बराबर होगा। ऐसे कैसे कह सकते हैं, देखिए मान लेते हैं इसका पोटेंशियल V1 है, इसका पोटेंशियल V2 है, इसका पोटेंशियल V3 है। ऑब्वियस ही बात है यहाँ और यहाँ के बीच का जो पोटेंशियल होगा वो इसके बराबर होगा। तो यहाँ और यहाँ के बीच में जो पोटेंशियल होगा वो क्या होगा, V1 प्लस V2 प्लस V3। तो हम इस सीरीज कॉम्बिनेशन में, मैं देखिए सीरीज कॉम्बिनेशन में बेसिकली हम चाहते हैं कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालने के लिए देखिए हम आपको बता रहे हैं एक बहुत सिंपल सा फंडा है, वो फंडा ये है कि अगर हम इन सबको हटा के, देखिए एक लॉजिक हम लोग यूज करने जा रहे हैं, इन सबको हटा के अगर हम एक ही कैपेसिटर यूज करें, एक ही कैपेसिटर, और वो अकेला कैपेसिटर, अगर वो अकेला कैपेसिटर ठीक उसी बैटरी से, उतने ही वोल्ट की बैटरी से उतने ही चार्ज फ्लो कराए, तो अकेला ये अकेला इन तीनों के क्या होगा, इक्विवेलेंट हो जाएगा, इन तीनों के इक्विवेलेंट हो जाएगा। तो आप बताइए अगर इस अकेले का कैपेसिटेंस सी इक्विवेलेंट है, तो बताइए अगर चार्ज फ्लो क्यू किया, वोल्टेज वी है इसके क्रॉस, तो बताइए सी इक्विवेलेंट को क्या लिख पाएंगे हम लोग, क्यू अपॉन वी। ये हो गया आपका एक इक्वेशन। दूसरा, हम लोग अभी यहाँ बात कर ही रहे थे कि अगर हम V को लिखना चाहें, टोटल V को, तो V को क्या लिख सकते हैं, V1 प्लस V2 प्लस V3 लिख सकते हैं ये बात V को। अगर हम इन सारे V को अगर C के टर्म्स में लिखने की कोशिश करें तो दिस V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बोलिए, अच्छा देखिए V इज इक्वल टू होता है Q अपॉन C, तो यहाँ पर क्या होगा बोलिए, Q अपॉन C1, यहाँ पर क्या हो जाएगा बोलिए, Q अपॉन C2 and this Q upon C3. This is equation number 2. तो पहला और दूसरा इक्वेशन को अगर हम लोग कंबाइन करें तो हमें बहुत आसानी से आंसर मिल जाएगा। तो अगर हम लोग यहाँ पर बात करें फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, देखिए यहाँ पे लिखा हमने फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, पहला और दूसरा इक्वेशन से देखा जाए तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट हियर
यहां से v की वैल्यू निकाल लेते हैं तो v is equal to आएगा c the q upon c equivalent यहां लेगा q upon c equivalent is equal to q upon c1 plus q upon c2 plus q upon c3 and this 1 upon c equivalent is equal to sir q q q कट जाएगा 1 upon c1 plus 1 upon c2 plus 1 upon c3 और भी होंगे तो ऐसे ऐड करते जाएंगे तो जब भी जहां कैपेसिटर सीरीज में कनेक्टेड हो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस अगर निकालें तो हम इस तरह से लिखेंगे 1 upon c equivalent equals to 1 upon c1 plus 1 upon c2 plus 1 upon c3 और सारे कैपेसिटर पे चार्ज का वैल्यू कितना होगा सेम होगा जैसा कि यहां पर दिखाई दे रहा हमें लेकिन सबके पोटेंशियल्स क्या होंगे अलग-अलग होंगे जैसा कि हम लोग यहां पर देख पा रहे हैं तो ये हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन है सीरीज कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं ये एक सिंपल सा फंडा है बड़े आसानी से हम लोग कर सकते हैं तो चलिए जैसे हम लोगों ने सीरीज कॉम्बिनेशन देखा और हमने इक्विवेलेंट कैपेसिटर निकालने का ये फार्मूला देखा वैसे ही हम लोग अब पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करते हैं देखिए पैरेलल कॉम्बिनेशन हम लोग कैसे करेंगे तो कैपेसिटर में एक दूसरा कॉम्बिनेशन है जिसका नाम है पैरेलल कॉम्बिनेशन तो देखते हैं कैसा होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन चलिए बात करते हैं हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन पैरेलल कॉम्बिनेशन दिस इज द सेकेंड पार्ट तो हम लोग कैपेसिटर्स को इस तरह से जोड़ लेते हैं देखिए एक दूसरे के पैरेलल में जोड़ेंगे दो या तीन या चार पांच जितना चाहे उतना जोड़ सकते हैं हम लोग चलिए अब हमने तीन जोड़ा कैसे चार जाएगा उसके लिए हमने इसको पॉइंट्स लिया ए पॉइंट्स और यहाँ बी पॉइंट्स इस ए और बी को हमने एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया ताकि हमें फील आ सके कि ये चार्ज कैसे होते हैं चलिए यहाँ पर देखिए थोड़ा सा अलग है यहाँ पे सीन थोड़ा अलग है थोड़ा अलग कैसे हो सकता है देखिए उससे पहले हम लोगों ने देखा कि नेगेटिव प्लेट से एक ही प्लेट कनेक्टेड था नेगेटिव वाले टर्मिनल से पॉजिटिव वाले से भी एक ही अब यहाँ पे देखिए नेगेटिव टर्मिनल से इस कैपेसिटर का भी प्लेट कनेक्टेड है C1 मान लो C2 मान लो C3 इसका देखिए ये वाला प्लेट कनेक्टेड है नेगेटिव से इसका ये वाला प्लेट नेगेटिव से इसका ये वाला प्लेट नेगेटिव से एकदम भेजे में फिट कर लीजिएगा कि देखिए जो जो प्लेट्स नेगेटिव से कनेक्टेड होंगे उस पर चार्ज नेगेटिव ही होगा और जो जो पॉजिटिव से कनेक्टेड होंगे उस पर चार्ज पॉजिटिव ही होगा तो आप देखिए पॉजिटिव प्लेट से कनेक्ट होंगे अच्छा बताइए ये अब होगा क्या अच्छा बताइए पॉजिटिव प्लेट्स वाले इन सबसे इलेक्ट्रॉन निकाल के इधर इधर ले जाएंगे इसका इधर वाले सारे पॉजिटिव आएंगे इधर वाले सारे नेगेटिव आएंगे तो अगर यहां से इलेक्ट्रॉन जितना निकालते हैं मान लो यहां से इलेक्ट्रॉन निकाला इसकी वजह से इस पे Q3 चार्ज आया तो यहां पर कितना चार्ज आएगा माइनस Q3 इस पे अगर Q2 चार्ज आया तो यहां पे कितना आएगा माइनस Q2 अगर इस पे Q1 चार्ज आया तो इस पे माइनस Q1 अगर ये चार्ज आ गए ऐसे आ गए तो आप बताइए टोटल चार्ज अगर आप कभी भी टोटल चार्ज के बारे में सोचें तो जो टोटल चार्ज यहां से फ्लो किया होगा वो कितना होगा लेट क्यू अगर टोटल चार्ज है किसी जंक्शन पे कुल आने वाला करंट इज़ इक्वल टू कुल जाने वाला करंट किरचॉफ्स पढ़ा था वैसे ही यहां पर भी हम लोग बोल सकते हैं किसी जंक्शन पे कुल आने वाला चार्ज इज़ इक्वल टू कुल जाने वाला चार्ज क्लियर है सबको अच्छा एक और बात हम आपको बताएं कि यहाँ पर पोटेंशियल सेम होता है देखिए अगर आप लोगों ने किरचॉफ्स का वीडियो देखा होगा तो आपको शायद पता होगा नहीं होगा तो देख लीजिए आप सब लोग देखिए अगर हम लोग बात करें यहाँ जो पोटेंशियल होगा जो भी पोटेंशियल हर जगह ध्यान रहे जब तक सर्किट एलिमेंट नहीं आएगा तब तक पोटेंशियल क्या रहेगा सेम तो अगर मान लो यहाँ अगर दो वोल्ट है देखिए यहाँ भी दो अगर मान लो यहाँ दस वोल्ट है देखिए दस जब तक सर्किट एलिमेंट नहीं आएगा दस ही रहेगा दस यहाँ भी दस यहाँ देखिए इधर जाएगा यहाँ भी दस यहाँ जाएगा यहाँ भी दस और दो और दस डिफरेंस कितना हुआ आठ दो और दस डिफरेंस क्या हुआ आठ दो और दस डिफरेंस क्या हुआ आठ इसका मतलब हर जगह पोटेंशियल क्या है सेम है और उतना ही हो जितना दो और आठ देखिए दो और दस यहाँ पे आठ यहाँ पे मतलब इसी के बराबर था यहाँ भी पोटेंशियल वी यहाँ भी पोटेंशियल वी यहाँ भी पोटेंशियल क्या होगा वी हो जाएगा अच्छा देखिए अब हम लोग इक्विवेलेंट की बात करते हैं कि अगर हम इसको रिप्लेस करके एक ही कैपेसिटर लें और वो बैटरी से उतने ही चार्ज अगर विड्रॉ कराए इसका मतलब ये अकेला इन तीनों का क्या होगा इक्विवेलेंट तो हम लोग फिर वही इक्विवेलेंट वाला कहानी यहाँ पे फिर से एक बार दोहराते हैं इसके लिए हमने कहा कि एक ही कैपेसिटर लीजिए भाई एक कैपेसिटर लिया हम लोगों ने
और इस कैपेसिटर को एग्जैक्टली वही बैटरी से जोड़ देते हैं। अगर हम इसका कैपेसिटेंस मान लो सी इक्विवेलेंट है, अगर बैटरी वही है और उतना ही चार्ज फ्लो करा दिया यहाँ पर, इसका मतलब ये अकेला इन सब के क्या है, इक्विवेलेंट है। और अकेला अगर इन सब के इक्विवेलेंट है तो इसका जो सी आएगा इक्विवेलेंट वो, या यहाँ से जो सॉल्व करेंगे वो इसके बराबर हो जाएगा। तो देखिए सॉल्व करके देखते हैं कि क्या होता है। इस केस में अगर हम क्यू की वैल्यू कैलकुलेट करें तो क्यू इज इक्वल टू आएगा सी इक्विवेलेंट इनटू वी, एक इक्वेशन ये हो गया। अगर हम इस केस में सॉल्व करें तो क्या आएगा, इस केस में अगर हम लोग सॉल्व करें तो हम लोग ये बात लिख सकते हैं क्यू इज इक्वल टू होगा क्यू वन प्लस क्यू टू एंड प्लस क्या लिखेंगे बोलो क्यू थ्री, यही लिखेंगे ना, क्यू वन प्लस क्यू टू प्लस क्यू थ्री। अब बताइए दिस Q इज इक्वल टू क्यू वन, क्यू वन मतलब यहाँ, Q इज इक्वल टू क्या होगा सी वन वी, तो यहाँ लिखा सी वन वी, यहाँ लिखा हमने क्या बोलिए सी टू वी, और यहाँ लिखा हमने यहाँ पे क्या लिख सकते हैं सी थ्री वी, दिस इज क्वेश्चन नंबर टू। अब क्या करेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड देख लें, अगर हम लोग फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट और सेकेंड से देखें, तो फर्स्ट और सेकेंड अगर हम लोग देखते हैं तो हमें क्या मिलेगा यहाँ से C इक्विवेलेंट V इज इक्वल टू सी वन वी प्लस सी टू वी प्लस सी थ्री वी, सारे V कट जाएंगे तो C इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा बोलिए सी वन प्लस सी टू प्लस सी थ्री, अगर और भी होंगे तो इस तरह से डॉट डॉट डॉट। मैं आपको बता दूं कि देखिए अगर इन दोनों कॉम्बिनेशन को देख लें, हमें अगर देख लें तो हमें एक बात याद आएगा कि सर रेजिस्टेंस में इसका उल्टा होता है। हम लोग अगर कैपेसिटर की बात करें तो कैपेसिटर में ध्यान रहे अगर सीरीज कॉम्बिनेशन है तो 1 अपॉन सी वन प्लस 1 अपॉन सी टू करके जोड़ते हैं, जबकि रेजिस्टेंस में अगर सीरीज है तो सीधा आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री करते हैं। और कैपेसिटर की बात करें हम लोग कैपेसिटर में सीरीज का अगर पैरेलल का तो कैपेसिटर में पैरेलल होगा तो सीधा सी वन प्लस सी टू प्लस सी थ्री, लेकिन अगर रेजिस्टेंस में पैरेलल होगा तो 1 अपॉन आर वन प्लस 1 अपॉन आर टू प्लस 1 अपॉन आर थ्री ऐसे करके जोड़ते हैं। तो हमने दोनों कॉम्बिनेशन आपको समझा दिया और दोनों कॉम्बिनेशन में कैसे कैलकुलेट करेंगे सी इक्विवेलेंट वो हमने डिस्कस कर लिया। देखिए बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं जिसमें हमें पता ही नहीं चल पाता है कि जो कैपेसिटर्स हैं वो पैरेलल है या सीरीज है, ऐसे केसेस को भी हम लोग सॉल्व करेंगे या ऐसे केसेस को हम लोग कैसे पता कर पाएंगे कि ये पैरेलल है या सीरीज है, इनके बारे में भी हम लोग अभी डिस्कस करते हैं। तो पहले उससे पहले ध्यान रहे, उससे पहले उसको डिस्कस करने से पहले हम लोग एक मिक्स कॉम्बिनेशन देखते हैं जिस मिक्स कॉम्बिनेशन में दोनों सीरीज और पैरेलल दोनों होगा और हमको जज करना होगा कि कौन सीरीज है कौन पैरेलल, और हम उसे सॉल्व करके देखेंगे कैसे सॉल्व किया जाता है। तो हम लोग बात करते हैं यहाँ पर अब मिक्स कॉम्बिनेशन का, तो एक तीसरा कॉम्बिनेशन देखते हैं मिक्स कॉम्बिनेशन, उसके बाद हम उस तरह के क्वेश्चन करेंगे जिसमें हमें पता नहीं चल पाता है कि कौन सीरीज और कौन पैरेलल है। तो देखिए मिक्स कॉम्बिनेशन का बात करते हैं हम लोग, अब यहां पे एक मिक्स कॉम्बिनेशन डिस्कस करेंगे। मिक्स कॉम्बिनेशन बोलेंगे मिक्स्ड कॉम्बिनेशन, मिक्स्ड कॉम्बिनेशन देखें हम लोग, एक ऐसा कॉम्बिनेशन देखेंगे जहां पर कहीं कुछ सीरीज भी दिखेगा और कहीं कुछ पैरेलल भी दिखेगा। लाइक दिस। अब हमने देखे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है हमारा कि वो पॉइंट जिसके अबाउट हम निकालना चाहते हैं इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, बच्चे इस बात का ध्यान नहीं देते हैं और सबको ध्यान देना चाहिए किसके अबाउट निकालना है, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे हम इस पूरे कॉम्बिनेशन का निकालना चाहते हैं इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस अबाउट ए बी, इसका मतलब हम क्या फाइंड करना चाहते हैं, फाइंड करना चाहते हैं सी ए बी, इस बात का बहुत ध्यान रहे, फोकस करना पड़ेगा आप सबको किसके अबाउट निकालना, ये बहुत ज़रूरी होता है। जो हमने ए और बी के अबाउट निकाला जैसा हमने यहाँ पर लिखा वैल्यूज, अगर हम इसका ले लें, हमने मान लिया इसका वैल्यू सी है, इसका वैल्यू है आपका सी और इसका वैल्यू लिखा टू सी, इसका वैल्यू लिख दिया 2c, इसका वैल्यू c एंड सॉरी 4c एंड 4c ऐसा लिख दिया मैंने। चलिए अब हम चाहते हैं c इक्विवेलेंट निकालना है यहाँ पे, c इक्विवेलेंट तो कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए आपको कैसे पहले फोकस करना है। तो आप सोचिए कोई भी चार्ज अगर यहाँ से चलेगा तो यहाँ पे चार्ज जो होगा वही यहाँ आएगा वही यहाँ आएगा, इसका मतलब तीनों में सेम चार्ज आ रहा है, इसका मतलब ये तीनों के तीनों कैसे कनेक्ट होंगे बोलिए सीरीज में कनेक्ट है, ये तीनों सीरीज में है। अच्छा कोई भी चार्ज अगर इस वायर में कोई भी चार्ज आया, अगर कल कोई भी चार्ज आया तो जो चार्ज यहाँ होगा वही चार्ज यहाँ आएगा, देखिए जो चार्ज इसमें इस कैपेसिटर में वही कैपेसिटर इस कैपेसिटर में भी आएगा, और दोनों में अगर सेम चार्ज आ रहा है तो इसका मतलब है ये दोनों भी कहाँ पर हैं सीरीज में है। अगर आपको सर्किट को रिड्यूस करना है तो ध्यान रहे स्टेप बाय स्टेप पूरा एक साथ सॉल्व करने की कोशिश ना करें, जहाँ जहाँ दिख रहा है
उसको सॉल्व करके पहले उसे रिड्यूस करते जाएं। तो अगर हम इसे रिड्यूस करें तो एक देखिए इसके इसके इक्विवेलेंट दूसरा डायग्राम बनाते हैं, पहले इन तीनों को सीरीज में जोड़ें। कैसे सॉल्व करेंगे, अगर आप चाहें तो कैलकुलेशन यहीं पर लिख सकते हैं ऐसा कि वन अपॉन, मान लो यहां पर सी वन इक्विवेलेंट लिखा, सी वन इक्विवेलेंट, तो दैट इज इक्वल टू आएगा वन अपॉन सी प्लस वन अपॉन सी प्लस वन अपॉन टू सी। अब फाइनली अगर हम इसे सॉल्व करके देखें तो क्या आंसर आएगा बोलिए, C1 इक्विवेलेंट का जो वैल्यू होगा वो कितना आना चाहिए यहाँ पे, ठीक है फाइनली सॉल्व करके देख लें तो कितना आएगा बोलिए यहाँ पे 2C डिवाइडेड बाई 5। क्या आएगा 2C डिवाइडेड बाई 5। आ रहा है नहीं आ रहा, देखिए भाई देखिए यहाँ पे जिस बच्चे को नहीं आ रहा सॉल्व करने, यहाँ देख ले फिर से देखिए मैं कह रहा हूँ वन अपॉन सी वन इक्विवेलेंट इज इक्वल टू मैंने 2C LCM ले लिया। जब 2C LCM लेंगे तो यहाँ से देखिए यहाँ क्या आएगा 2, फिर यहाँ कितना आएगा बोलिए 2, फिर यहाँ कितना आएगा बोलिए 1, फिर इसे रिवर्स कर लेंगे तो 2C upon 5। अब बात करते हैं यहाँ पर इससे भी कैलकुलेट कर लेते हैं, इसे कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 1 upon मान लेते हैं C2, इसका रिजल्टेंट आया C2 इक्विवेलेंट, बड़े आराम से करिए कोई टेंशन वाली बात नहीं यहाँ पर, तो 1 upon क्या होगा 4C plus 1 upon 4C, तो हो जाएगा 2 upon 4C, इसका मतलब C2 इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा बोलिए 2C आ गया, 4C upon 2 दैट इज 2C। अब ये आ गया, अभी आ गया, ध्यान दीजिए अभी आ गया। अब क्या करना है देखिए, अब हम लोगों को क्या करना है, अब हम एक सर्किट बना लेते हैं, सर्किट बनाते हैं तीनों का रिजल्टेंट देखिए यहाँ पर हमने बना लिया। देखिए अब सर्किट इस तरह से रिड्यूस हो चुका है, अब तो बहुत इजी हो गया। देखिए पॉइंट्स आपका ए यहाँ रहा और बी कहाँ रहा, यहाँ रहा, इसकी वैल्यू कितनी है 2C upon 5, इसकी वैल्यू कितनी है 2C और इसकी वैल्यू कितनी है देखिए अगेन 2C, अभी भी तो निकाला हम लोगों ने। अब देखिए 2C 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 upon 5 तीनों कैसे हैं, तीनों पैरेलल में है, तो पैरेलल में तो बताइए CAB क्या आ जाएगा 2C plus 2C upon 5। तो हम अगर इन्हें सम कर ले तो कितना आएगा बोलिए 4C plus 2C upon 5, फाइनली कितना आया है बोलिए अगर हमने सॉल्व करें तो ये 20 plus 22 होता है ना, तो 22C upon 5 इज द फाइनल आंसर, दिस इज द फाइनल आंसर। तो ऐसा कॉम्बिनेशन है जिसमें देखिए साफ साफ क्लियर कट दिखाई दे रहा है कि अगर पैरेलल है, सॉरी कुछ सीरीज में है कुछ पैरेलल में है और सम करेंगे सॉल्व करना आंसर, तो ऐसे सर्किट्स को बहुत इजी सर्किट माना जाता है जिसमें क्लियर कट दिखाई देता है कि ये सीरीज है ये पैरेलल है, क्लियर है ना। तो अभी हम अपने अगले वीडियो में देखेंगे कि हम कॉम्प्लेक्स सर्किट कैसे करेंगे जहां पे हमें पता ही नहीं चलेगा कौन सीरीज और कौन पैरेलल, तो हाउ टू फाइंड द कि कौन कौन सीरीज में आएंगे कौन कौन पैरेलल में आएंगे या सीरीज पैरेलल दोनों है ही नहीं, तो फिर क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है अगले वीडियो में हम इसे डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। थैंक यू।